अरुण जी, पहले तो हाईवे का इंजीनियर यहाँ होना चाहिए था, आज से हाईवे पर है। My name is Anzaryub, I am a local journalist. पिछले दो महीनों से यहाँ पर जो नई बस्ती है, यहाँ पर क्रैक्स जो डेवलप हो रहे थे और लगभग चार पाँच दिनों पहले यहाँ पर जो है मैसिव डैमेज होना शुरू हो गई। यहाँ पर जितने भी मकान हैं सब क्रैक हो गए और लगभग आज जो है 20 से 25 मकान जो है जो इस वक्त रिहाइश के काबिल नहीं है और उन फैमिलीज़ को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है वहाँ वाटर पॉइंट। यहाँ पर एक पास में एक जगह है जहाँ पर JKPTC की वहाँ पर शेड्स हैं, उन शेड्स में उनको शिफ्ट कर दिया फ़िलहाल के लिए। हम यहाँ पर जो है पिछले दो महीने से देख रहे थे कि यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन पहले तो हम लोगों ने लाइटली लिया, यहाँ लोकल्स तो शोर उठा रहे थे लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने लाइटली लिया। उनने बताया कि भाई अभी छोटे छोटे क्रैक्स हैं, पहले देखने दो कि अगर ये बढ़ते हैं फिर उस हिसाब से स्टेप्स लेंगे। तो जब पिछले दिनों से ये क्रैक ज़्यादा बढ़े तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी स्टेप लिया और फैमिलीज को शिफ्ट किया। यहाँ पर जो है खाठी की नई बस्ती में जो है इनिशियली दो दिन पहले कुछ मकानों में क्रैक देखे गए थे। सब्सिक्वेंटली वर्दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा जो है विशेष पाल महाजन जी SSP साहब के साथ हमने रात को दौरा किया था और यहाँ पे उन्होंने देखा था। और दियर आफ्टर जो है नेक्स्ट डे जियोलॉजिस्ट की टीम भी आई थी, NHIDCL वगैरह के टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी आए थे, इस जगह को एग्जामिन किया था। ऑन द होल कल तक जो है 21 स्ट्रक्चर्स विच इंक्लूड 19 हाउसेज, एक मस्जिद और एक मदरसा इफेक्टेड थे। लेकिन अच्छी बात, खुशी की बात यह है कि वो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस अब बढ़ नहीं रहा है, जितना कल था उतना आज भी उतना ही है, वही स्ट्रक्चर्स इफेक्टेड है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आ चुकी है, वो अपनी स्टडीज़ कर रही है, वंस फॉर्मल रिपोर्ट आती है तो वह बताते हैं। लेकिन हम गुजारिश करना चाहते हैं क्योंकि ये जो फैमिलीज़ हैं इनके पास अब कोई घर नहीं रहा, सभी घर जो है डैमेज हो चुके हैं। ये घर जो है क्योंकि एक घर बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अभी भी स्लाइड गिरी, कभी भी स्लाइड गिर सकती है, यहाँ पर कंटिन्यूस सिंकिंग हो रही है। ये जो है पूरा का पूरा एरिया, लगभग 60 से 70 घर जिस एरिया में आते हैं, ये पूरा का पूरा सिंक हो रहा है और काफ़ी ऊपर तक एक रोड भी है, ऊपर खाठी जंगलवाड़ रोड, वो भी सिंक हो रही है। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एज अ लोकल मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन लोगों को कहीं ऐसी जगह पर पूरे के पूरे जो बस्ती है उसको शिफ्ट किया जाए और वहाँ पर बसाया जाए ताकि इनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे। और यहाँ पर जो है जैसे कि लैंडस्लाइड अभी भी देखिए आपने कि लाइव में मेरे पीछे जो थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड आई, इस तरफ भी जो है यहाँ पर लैंडस्लाइड गिरी हुई है। और ये जो नेशनल हाईवे 244 है ये ब्लॉक्ड है इस वक्त, यहाँ पर तो एक छोटी सी लिंक रोड है जिसकी वजह से वन वे ट्रैफिक तो रिस्टोर कर दी गई, लेकिन ये नेशनल हाईवे कल शाम से बिल्कुल बंद पड़ी है, बिल्कुल ब्लॉक है हो गई इसी लैंडस्लाइड की वजह से। बापू छे छे पूर्च है, पूर्च बने, पूर्च बने, हाँ पूर 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 बार सॉरी सॉरी बने अलग भी नहीं मगर बहुत तो बना मेरी कोई इसके लिए बनो 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 मगर बनिए को यहां से रेडी को यहां रेडी जबरदस्त बनिए ये का लैंड रोवर छात्र पर सॉरी 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 ना ना रानो बाहर बा वहां गए थे उन्होंने पुलिस को दौड़ा चल 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 दवन टू योर टर्न दवन टू योर टर्न।